तो व्हाट्सअप गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे विकास लाइफ केयर यानी विकास मल्टीकैप के बारे में। क्या इसका भविष्य है? ये शेयर बहुत दिनों से गिरता जा रहा है, क्या इसका भविष्य है? बाउंस बैक कब मारेगा? और दोस्तों, टारगेट क्या रहेगा? पूरा फाइनेंशियल कंडीशन हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, फंडामेंटल चेक करेंगे और चार्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि मैं जो बाय सेल करता हूँ वहाँ पर मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे आज की डेट में यहाँ पर आप देख सकते हो गिरावट चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी देख सकते हो 3.35 रुपये में ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। 3.40 रुपये तक गया था लेकिन फिर से लुढ़क गया। तो आज की डेट में 1.5% की गिरावट है। 5 डे में देखोगे तो ये शेयर 3.60 रुपये तक गया था लेकिन अभी 3.35 रुपये में ट्रेड हो रहा है। 1 मंथ में आप देख सकते हो 18% की गिरावट है। 6 महीने में ये शेयर 26% की रिटर्न दिया है। दोस्तों, इसीलिए इस तरह का शेयर में आप लॉन्ग टर्म के लिए आइए, ज़्यादा समय के लिए, ना कि 1-2 महीना। 4.90 रुपये इसका हाई है। 1 ईयर में देखोगे 26% की रिटर्न है। मैक्सिमम चलिए देखते हैं, मैक्सिमम वही, क्योंकि दोस्तों इसका जो नेम चेंज हुआ विकास लाइफ केयर से विकास मल्टी कैप से विकास लाइफ केयर हुआ यहाँ पर। तो आगे का चार्ट हम लोग को नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 7 मई 2021 को यहाँ पर चेंज हुआ है और दोस्तों 2.78 रुपये में ये चेंज हुआ था और वही 2.78 रुपये वाला अभी 3.30 रुपये में ट्रेड हो रहा है। क्या इसका भविष्य है? सबसे पहले तो हम लोग NSE के ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करेंगे। आज की डेट में भारी भरकम बाय सेल चल रहा है और दोस्तों 3 लाख के करीब इसका वॉल्यूम है। उसके अलावा 18 रुपया इसका हाई है, 2.35 रुपये इसका लो है। कंपनी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है 25 अगस्त को इसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट दोस्तों अच्छा नहीं था और दोस्तों देख सकते हो ये राइट इशू आया था इसका जो कि 20 मई को। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग एक भी शेयर गिर भी नहीं है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अगर हम लोग पूरा डिटेल्स में इसको एनालिसिस करते हैं, ये जो कंपनी है वो इसका मार्केट कैप कितना है? मार्केट कैप 317 करोड़ का मार्केट कैप है। 16 रुपया हाई है और 2.34 रुपये इसका लो है। सेक्टर पी 43 है। बुक वैल्यू यहाँ पर 0.72 है। डिविडेंड नहीं देता है। ROC 16 है और ROE यहाँ पर 11 है। फेस वैल्यू 1 का है। अगर हम लोग नीचे जाएंगे देखेंगे ये ट्रेडिंग बिजनेस करता है और ये आता है 8 नंबर पर विकास लाइफ केयर। क्वार्टरली सेल्स देखेंगे, कंपनी का सेल्स कितना हो रहा है, 23.34 यानी 23 यहाँ पर एक्सपेंड किया गया था, 24 यहाँ पर सेल हुआ है 26। अगर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट कंपनी को कितना हुआ है, पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ का घाटा हुआ था, इस बार 33 लाख का प्रॉफिट हुआ है। उसके अलावा ईयर वाइज अगर हम लोग देखेंगे 86 का एक्सपेंड किया गया था, 95 का सेल हुआ है यानी एक्सपेंड से ज़्यादा सेल हुआ है। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या नहीं, यहाँ पर हम लोग को साफ साफ दिख रहा है 2 ईयर से कंपनी नेगेटिव प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। हालांकि एक अच्छा लग रहा है, यहाँ पर 3.50 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट जनरेट किया था, अभी उसको कम करके 3.25 करोड़ का कंपनी को नेगेटिव प्रॉफिट जनरेट हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है। कंपाउंडिंग ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हो 395 शो हो रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अगर हम लोग शेयर कैपिटल देखेंगे 66 इसका शेयर कैपिटल है और 32 लाख का रिजर्व कंपनी रखा है और 41 करोड़ का कर्जा है। यहाँ पर हम लोग को साफ साफ नेगेटिव देखने के लिए मिल जा रहा है। अगर हम लोग नीचे जाएंगे एसेट देखेंगे, एसेट में भी गिरावट है, कैश फ्लो थोड़ा सा प्लस है। अगर हम लोग होल्डिंग चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20% यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अभी 1.19 होल्ड कर रहे हैं FI वाले यानी फॉरेन वाले। DI वालों के पास कुछ भी नहीं था, गवर्नमेंट भी यहाँ पर कुछ नहीं था। अभी देखिए 0.01 रखे हैं। 78% रिटेल इन्वेस्टर यानी पब्लिक यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बोलना चाहूँगा, इस कंपनी का फंडामेंटली पूरा वीक है। अगर आप यहाँ पर आते हो
₹500 से ज़्यादा पैसा मत फंसाना, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। अगर यहाँ पर आप होल्ड करोगे एक लंबे अवधि के लिए, ये कंपनी उसका जो प्रॉफिट है उसको लॉस में जनरेट करेगा, उसके बाद कर्जा को चुकाएगा, उसके बाद ही ये शेयर में कुछ हो सकता है। ठीक है, तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।